आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर रिया। सबसे पहले आपने पढ़े हैं नेशनल नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होंगे, वन टू थ्री फोर अप टू सेवन इंफिनिटी। ठीक है, फिर सेकंड पढ़ा आपने होल नंबर और नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इनकी जीरो से स्टार्ट वन टू थ्री फोर अप टू सेवन इंफिनिटी। उसके बाद पढ़े हमने इंटीजर्स, इंटीजर की डेफिनेशन क्या होगी, ऑल नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो, सारे के सारे नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव, किसी भी नंबर का नेगेटिव उस नंबर का साइन चेंज करेंगे, जैसे वन का नेगेटिव माइनस वन, टू का नेगेटिव माइनस टू, टू का माइनस इंफिनिटी, और साथ में जिसको इंक्लूड कर लिया हमने जीरो। फिर इंटीजर आपके टू टाइप हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वन टू इंफिनिटी, नेगेटिव इंटीजर माइनस इंफिनिटी का माइनस वन, जीरो आपका है पॉजिटिव इंटीजर और नहीं नेगेटिव। उसके बाद रैशनल नंबर, जिस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो, वो नंबर होगा हमारा रैशनल। उसके बाद इरेशनल नंबर, जिस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी, वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल। फॉर एग्जांपल के रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, ये सब इरेशनल क्यों है, जब हम इन सभी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो उस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसलिए इस नंबर कैसे हैं इरेशनल। साथ में आपने पढ़ा था पाई, जिसकी वैल्यू आप लिखते हो 22/7, जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसलिए पाई भी कैसा नंबर है, इरेशनल। नेचुरल होल और इंटीजर, इन तीनों को हम कैसा नंबर कह सकते हैं, रैशनल। और फिर हम रैशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन कर देंगे, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रियल नंबर। तो आज हम रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, इन सभी नंबर्स को इरेशनल प्रूव करेंगे, इरेशनल कैसे है। सबसे पहले हम उस नंबर को रैशनल अज्यूम कर लेंगे, लेट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम पी बाई पी फॉर्म में लिखेंगे, लेट रूट टू इज इक्वल टू, इसको हमने ए बाई बी मान लिया, सी वाई डी आर वाई एस आपकी मर्जी जो भी आप अज्यूम करो इसको, तो लेट रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी, और यहाँ पे ए और बी को कैसे नंबर मानेंगे, को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन से होंगे, जिन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होगा वो नंबर क्या लाएंगे, को प्राइम। लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूट टू बी इज इक्वल टू ए, और बोथ साइड्स के कर देंगे स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू। अब एक थ्योरम है, कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे टू कैसा नंबर है, प्राइम। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिस नंबर के केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ। तो टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा, क्या लिखेंगे हम, इफ टू डिवाइड्स ए स्क्वायर देन टू डिवाइड्स ए आल्सो,
अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा, तो यहां से हम क्या मान लेंगे डिवाइड, a को हम मान लेंगे कितना 2c, a को हमने 2c क्यों जो किया, यहां पे लिखा हमने कि 2 डिवाइड्स a आल्सो, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को, तो इसको डिवाइड करेंगे जो भी कोशेंट आया उसको सेंट फॉर्म में कितना मान लिया c, तो हम इस a को क्या लिख सकते हैं इन दोनों की प्रोडक्ट, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बनेगा 2c, तो यहां पे हमने कितना लिख कर लिया 2c। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये वैल्यू पुट किया हमने 2c a का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर किया बाय 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2 को लेफ्ट में डिवाइड मिल गया है। अब फिर से 2 एक प्राइम नंबर और किसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b आल्सो, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, अब 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, सो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, सो 2 is the common factor of a and b, but हमने a और b कैसे नंबर अज्यूम किए थे, co-prime, but a and b are co-prime number, ठीक है, तो a और b co-prime number हैं, या इस common factor सिर्फ one है, और हमारे पास क्या आ गया कि two किसका factor है, a और b का, इसलिए यहाँ पे हमने number क्या दिया रूट को कैसा नंबर प्रूव किया था रैशनल, ये रैशनल तो है ही नहीं, रैशनल नहीं है तो कैसा है इरेशनल, सो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, तो ऐसे ही हम नंबर को इरेशनल प्रूव कर देंगे, रूट थ्री को रूट फाइव को रूट सेवन को सभी के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है।